हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इंग्लिश के, कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। एक स्कोरिंग पार्ट जो है आपका इंग्लिश होने वाला है अगर आप सही से पढ़ोगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो पेड बैचेज हैं उसमें भी अभी लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके और हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिटी बैच होगा, इसमें 100% रिलेवेंसी रहेगी कंटेंट का। जितना लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़नी है आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और डाउट सेशन भी मिलेगा, टाइम सेविंग अप्रोचेस और सारा का सारा जो टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से वो यहाँ पर कवर अप करवाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी अगर यहाँ पे फैमिली में नए हैं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स और सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ ऐसा पार्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए स्कोरिंग होने वाला है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। रूल्स तो बहुत सारे हैं बट हम रूल्स पर ना जाके और प्रैक्टिकल बेसिस पे किस तरीके से हम इंग्लिश को डील कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डील कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस दिख रहा है, राम सेज हरी हैज़ गॉन टू आगरा, ये आपका डायरेक्ट में दिया हुआ है। इसको इनडायरेक्ट में बनाना है तो आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, तो अगर आपको जो सही ऑप्शन पता है वहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो आंसर इसका क्या है पहले आप ये देख लीजिए, राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब इसमें देखिए जो ट्रिक है वो ये है कि अगर यहाँ पे सेज लगा है, क्या लगा है, सेज लगा है, तो ये जो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, ये जो है वो चेंज नहीं होगी। सेम टू सेम हम उसको वही कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे डैट लगा के। आप देख सकते हो राम सेज हमने वही लिखा क्योंकि फ्यूचर की बात हो जाती है तो फ्यूचर में यहाँ पे कोई जो है वो चेंजेस नहीं होते हैं। बस आप फ्यूचर और प्रेजेंट छोड़िए, ये ध्यान रखिए राम सेज अगर है उसके बाद में जो भी सेंटेंस है तो दैट के साथ जोड़ के आप वहाँ पे वो पूरा सेंटेंस इसी तरीके से लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या है सेंटेंस, सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर सोचिए, एंड आई होप कि आप ऐसा करोगे क्योंकि तभी आपको सीखने को मिलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हो, वरना फिर अगला मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि बहुत इजी है, ठीक है, बट आप जब खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, तो उस गलती को सुधारना है, राइट। प्रैक्टिस टेस्ट हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका, सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि विल से अगर होगा तो भी हम सेम टू सेम वही का वही कॉपी कर देंगे, चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये बहुत ही आसानी से विदाउट एनी रूल आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी पहले लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है भाई, उससे यूट्यूब कभी भी पैसा वैसा नहीं देता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बस ये होता है कि हाँ अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, तो जो यूट्यूब है वो क्या करता है उसको प्रमोट करता है कि हाँ यहाँ से आप पढ़िए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोहन सेड टू मी संध्या इज राइटिंग अ बुक, ठीक है, या लेटर कुछ भी हो सकता है। इसका देखिए करेक्ट क्या होगा, सोहन टोल्ड मी दैट संध्या वॉज राइटिंग अ बुक, सिंपल एज दैट। देखिए कैसे यहाँ पे क्या है, सोहन सेड टू मी, जब भी सेड टू आएगा तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे, सोहन का भाई सोहन लिखा, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया और मी का मी हमने लिख दिया, दैट से ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन होंगे तो हमने दैट लिख दिया, संध्या को संध्या ही रखा, इज की जगह वॉज हो जाएगा। जब भी आपका डायरेक्ट में इज होगा तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट में वहाँ पे वॉज कर दोगे, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोहन सेड टू मी संध्या इज राइटिंग अ बुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड मी दैट संध्या, और इज की जगह पे आप बस वॉज करोगे, ओके, तो राइटिंग अ बुक ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द साउंड डिस्टर्बेंस, एक्चुअली यहाँ पे बगल में रेलवे ट्रैक है और वहाँ पे काम वगैरह चल रहा है,
तो अचानक से ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, वो कैप की बात करते हैं हम, फिर उसके बाद थोड़े से दो तीन वर्ड देखेंगे और उसके बाद फिर से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है, वोरेशियस यहाँ पे आपका वर्ड है, और बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही क्लास में सारे के सारे 100 और 150 वर्ड दे दूँ जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रैक्टिकली चलूँगा भाई, ठीक है, कि आपको मैं 4 वर्ड आज दूँ या 5 वर्ड 10 वर्ड आज दूँ, ठीक है, तो उसको आप घर पे बैठ के बढ़िया से रिवाइज करो, उसको याद करो। जैसे हम अपनी ड्यूटी यूट्यूब पर निभा रहे हैं, वैसे ही आपको अपनी ड्यूटी क्या अच्छे से पढ़ने वाली ड्यूटी घर पे निभानी है, ठीक है, सिलेक्शन तभी होगा, क्योंकि अब बूंद बूंद से समुंदर भरता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप नोट करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। जुड़े रहिएगा लास्ट जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन है तब तक, और एग्ज़ाम के रिजल्ट आने तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, आप वहाँ पे अप्लाई करिएगा और देखिएगा कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी ज़रूर मिलेगी अगर आप उसके लिए लगन से मेहनत करते हो तो, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ पे पेड बैचेस वगैरह आपको ज्वाइन करना है तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं, तो लिमिटेड सीट्स हैं, आप भी रजिस्टर कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। वोरेशियस की हम बात करें, इसका मतलब होता है खाने से रिलेटेड, ठीक है, खाने से रिलेटेड, रिलेटेड टू ईटिंग, वोरेशियस इज़ रिलेटेड टू ईटिंग। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ऐसे वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे ये वर्ड है तो इसका जो है हम ट्रिक बना के इसको याद करवाएं, जिससे आपको वर्ड को देखते ही आपको पता लगेगा कि हाँ इसका कुछ ये सेंस हो सकता है, आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा उस ट्रिक से। तो वो वाला सही रहेगा या डायरेक्ट हम मीनिंग आपको बताएं वो सही रहेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी उसमें आपको हम उसी तरीके से करवाएंगे। विशियस का आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब क्या है, डेंजर, ठीक है, विशियस का मतलब है डेंजर, खतरनाक जो होता है उसे कहते हैं। यहाँ पे एक आपको एक वर्ड बताना चाहूँगा, पेरिल, PERIL, पेरिल एक अच्छा वर्ड है, एक अच्छा वो कैप का वर्ड है, पूछा जाने वाला वर्ड है, इसका भी मतलब डेंजर होता है, खतरनाक होता है, ठीक है। एघोस्ट, एघोस्ट यहाँ पे हम फ्राइटेंड, डरावने के सेंस में ले सकते हैं, और इसका यहाँ पे क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे वोरेशियस जो ग्लूटन होता है ना, इसका भी यहाँ पे सिनोनिम हो सकता है। ग्लूटन का मतलब भी होता है पेटू, जो खाने मतलब हर समय खाने के बारे में सोचता हूँ कि मैं अब ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, लाइक मी, बट क्या करें शरीर में लगता नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका अगेन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आ गए, उसके बाद फिर से आपके कुछ वर्ड्स आएंगे। यहाँ पे देखिए, सोहन सेड अनुष्का हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, सिंपल है, सोहन सेड दैट अनुष्का हैड कंप्लीटेड हर वर्क। देखिए इसमें क्या चेंजेस हुआ, कुछ नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि ये दो सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सेड के बाद सेड टू लिखा होता तो यहाँ पे क्या कर देते, सेड टू की जगह पे टोल्ड कर देते, बट सेड टू यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, और अनुष्का की जगह पे अनुष्का। अब यहाँ पे हैज़ की जगह पे हमेशा हैड में चेंजेस होगा, ध्यान रखिएगा, हैज़ हो या हैव हो, ये दोनों को ही चेंजेस जो है किसमें हो जाएगा, हैड में, तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़, ओके, बस यही एक रूल है। अब हम आपको पूरा बताएं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की ये, वर्ब की वो, तो फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, रूल सबको याद होते नहीं है, मैं चाहे जितना बता दूं, आई एम वेरी श्योर, मैंने भी बहुत रूल्स पढ़े हैं भाई, ठीक है, बट याद नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं इंप्लीमेंट करोगे, सारे के सारे रूल्स और वो टाइम जो आप दोगे रूल्स को पढ़ने में वो सब बेकार जाएगा। इसीलिए ये मेरा मेथड है कि बस आप चीज़ों को देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि क्या चीज़ किस चीज़ पे बदल रही है, हैज़ को हम हैड में बदल रहे हैं, इसको हम वॉज में बदल रहे हैं, आर को हम वर्ब में बदल रहे हैं, सेड टू को हम टोल्ड में बदल रहे हैं, और सेज जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम चेंज ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का ये जो फॉर्मेट है भाई, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और देन मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो अच्छी लग रही हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, एक नए तरीके से इंग्लिश सीखने को मिल रही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने को मिल रहा हो विदाउट एनी रूल, तो यहाँ पे लाइक ज़रूर करेगा। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, और यहाँ पे बहुत कुछ है, बट अब यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें मैं आपको कम टाइम में लिमिटेड चीज़ें बता सकता हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सो ही सेड
बाकी इंग्लिश का बैच भी है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा डायरेक्ट में है। इसका देखिए क्या बना है, ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस यहाँ पे सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया गया और हैज़ की जगह पे हैड कर दिया गया। अब देखिए सेम ही चीज़ हैज़ या हैज़ बीन होगा तो हम हैज़ को हैड में बदलेंगे और हैज़ बीन को हैड और बीन में बदलेंगे, ठीक है। बस यही एक सिंपल चीज़ है, याद करना है आपको, ध्यान रखना है, हैज़ बीन को हम हैड बीन कर देंगे, बाकी आपका सेम ही फॉर्मेट रहने वाला है। ओके, ये था आपका दो रूल्स। आगे बढ़ते हैं हम, अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, लीव, ठीक है, अबैंडन का मतलब है त्याग देना, लीव। जैसे कुछ सिगरेट पीते हैं कुछ लोग, है ना, कुछ लोग धूम्रपान नशा वगैरह करते हैं और ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो ही अबैंडन टू ड्रिंक, मतलब उसने पीना छोड़ दिया, उसने त्याग दिया वो चीज़। ओके, तो यहाँ पे लीव इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपॉलजी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, आप सॉरी बोलते हो, पार्डन, माफ़ी के सेंस में यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अपॉलजी, ठीक है। और आपने वो बच्चा यादव का माई येलो पॉजी भी सुना होगा, है ना, तो उसी से आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है ये, माफ़ी के सेंस में होता है पार्डन। पार्डनिंग पावर किसके पास होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि पार्डनिंग पावर किसके पास होती है। आगे बढ़ते हैं, सो दैट्स इट, आज की क्लास को हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि हमारा नंदी अस्त्र जो बैच का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या है कि आपको जीके का अलग बैच, ठीक है, इंग्लिश का अलग बैच, जो मेंटल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, कॉमर्शियल मैथ्स है, उसका अलग बैच, रीजनिंग का यहाँ पे कंबाइंड में ही चलेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब का भी बैच, कॉमर्स का बैच, और हर एक सब्जेक्ट का मतलब अलग अलग आपको बैच मिल जाएगा। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको टफ लगता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई हर एक सब्जेक्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा, ये तो तय है। ओके, तो आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अन्य किसी माध्यम से आप किसी को भी कहीं भी कुछ भी डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि क्या होगा कि फिर फेक चीज़ें आपके पास आएंगी, आप वहाँ पे पेमेंट करोगे और वहाँ पे आपके सामने फ्रॉड चीज़ें होंगी हमारे नाम से, हो सकती हैं, लास्ट टाइम भी हुई थी तो इस बार भी हो सकती हैं। इसीलिए हम आपको लाइव क्लासेस देंगे कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी वहाँ पे हम आपको कंटेंट दे देंगे, उसको आप पढ़ोगे, फिर वहाँ पे हम टेस्ट वगैरह लेंगे, लाइव टेस्ट लेंगे, जो कि जूम पर या फिर हम गूगल मीट पर लेंगे। ओके, और सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे आपसे जो है वो लाइव चलने वाली हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे हम बात करें रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर की, ये जो है इसमें जो है आपको चीज़ें कुछ रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगी, और फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे जिसमें आप लोग इन्वॉल्व होंगे सिर्फ और सिर्फ, और वहाँ पे हम फिर और डाउट सेशन लेंगे, 1-to-1 डाउट सेशन होगा, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा उसको भी हम डिटेल में आगे चीज़ों को देखेंगे, वो कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी डिटेल आपको चाहिए, तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप नंबर पे आपको दिया हुआ है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। तो फैमिली में नहीं तो फैमिली को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में आपको सभी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा, फ्री आपका यहीं पे यूट्यूब पर चलेगा, और पेड बैच जो है वो हमारा गूगल मीट या किसी जूम के थ्रू हम यहाँ पे रन करेंगे अपना, और लिमिटेड सीट्स रहेंगी बैच में, तो आप अभी से ही अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बाकी की डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी शो कर दी हैं। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर वो बच्चा जो भटकेगा, जो भटक रहा है, ठीक है, जो भटकेगा, मेरे को पता है क्यों भटकेगा, क्योंकि भाई वो यूट्यूब पर सर्च करेगा, कुछ भी आएगा और कुछ भी पढ़ेगा। इससे बेटर है कि आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, जिससे वो बच्चा वही चीज़ पढ़े जो कि रिलेवेंट है। इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ोगे फिर कहोगे सर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आया, एग्ज़ाम वॉज टफ इनफ टू क्रैक, यही होता है। इसलिए पहले से ही सावधान रहिए, रिलेवेंट चीज़ें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लग के पढ़िए, जैसे आप अपने किसी बोर्ड्स एग्ज़ाम में अभी पढ़ रहे हो, उसी तरीके से आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी सीरियसली लीजिए, डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। आपकी और हमारी दोनों की मेहनत जब साथ में आएगी तो डेफिनेटली हमको सफलता दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत।